हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको गोल गला कट वाला बनाने का तरीका बताऊंगी, उसकी कटिंग भी बताऊंगी और उसे बनाने का तरीका भी बताऊंगी। जैसे ये कुर्ती का हमारा फ्रंट पीस है, इसमें हम गला बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये बुकरम का टुकड़ा लिया है। बुकरम के टुकड़े की लंबाई ये 11 इंच है और इसकी चौड़ाई 7.5 इंच है। अब गले की कटिंग करने के लिए हम इसे बुकरम को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, ऐसे। अब इसके बाद इसमें हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई में 6 इंच रखूंगी, इसलिए हम 2 इंच पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप गला चौड़ा पहनते हैं तो आप 3.5 इंच पर भी निशान लगा सकती हो। ये मैंने चौड़ाई का निशान लगा दिया और इसकी गहराई ऐसे 7 इंच करेंगे। 1 इंच का कट लगाएंगे, 8 इंच का गला हो जाएगा। अगर आप छोटा पहनते हैं तो आप इसको कम भी कर सकती हो। अब इसके बाद इसको ऐसे चकोर करेंगे, इसकी बराबर इसको ऐसे लाइन खींच लेंगे, फिर इस साइड भी ऐसे। फिर इसके बाद इसमें 1 इंच का हम निशान लगाएंगे ऐसे। इसमें हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा गोल गले का निशान हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पे रखते हैं 1 इंच या 1.25 इंच, उसका हम ऐसे निशान लगा लेंगे जो पट्टी रखते हैं ऐसे। इसमें हम इसको बराबर रखेंगे इस तरह से। ऐसे इसके नीचे यहाँ पे हम ऐसे पहले इससे 1 इंच का कट कर देंगे। जैसे मैंने 1 इंच का निशान लगा दिया, यहाँ पे हम ऐसे छोटा सा एक कट करेंगे ऐसे। अब जो ये निशान है ये हम ऐसे इस तरह से लेंगे ऐसे। ये पट्टी हम इस यहाँ से कटिंग करेंगे। अब मैं इसको काटने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम अंदर वाला ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल लेंगे। ये मैंने बीच वाली बुकरम को निकाल दिया। अब इसकी पट्टी को निकालेंगे। पहले हम ऐसे इसमें ये कट का निशान कर देंगे ये। अब इसकी बराबर हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे इस पट्टी को ऐसे। जितनी एक्स्ट्रा बुकरम होगी वो हम इसकी निकाल देंगे ऐसे। ये हमारा गोल गला कट वाला की कटिंग होके तैयार हो गया। अब मैं इसका बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम जैसे ये हमारा कपड़ा है, इसमें हम इसको ऐसे जो हमने गले की कटिंग की है इसको रखेंगे ऐसे। कपड़े को इधर से बराबर कर ले। अगर आप कपड़ा थोड़ा टेढ़ा लगता है, नहीं तो फिर गले की पट्टी भी टेढ़ी तैयार होगी और हमारा सारा गला ही टेढ़ा हो जाएगा। ये खास ध्यान रखना, जब हम कपड़े ये पट्टी कपड़े पर लगाते हैं तो कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। अब ऐसे रख के जो हम सिलाई लगाएंगे वो सिलाई हम ऐसे बुकरम के ऊपर लगाएंगे ऐसे। अब ध्यान रहे पट्टी सरकनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा ही गला टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि कभी टेढ़ी हो जाए तो आप ऐसे निशान लगा सकते हो ताकि गला इस निशान से इधर नहीं सरके ऐसे पूरे गले में ऐसे। इसके बाद हम इसमें सिलाई कर देंगे। जैसे मैंने इस पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया। अब जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। कपड़ा हम 1/2 इंच छोड़ के निकालेंगे ताकि ये कपड़े को हम ऐसे बुकरम के ऊपर रख के सिलाई करेंगे। चारों तरफ से ऐसे ही हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के और जो पूरा कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको निकाल देंगे ऐसे।
इस तरह से ये हमने पूरा कपड़ा निकाल दिया। अब इसके बाद इस कपड़े को इसके ऊपर करके बुकरम के ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे दो पट लगा लेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से मुड़ जाए। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने चारों तरफ से कपड़े पर सिलाई कर दी चारों तरफ को, ये हमारा बुकरम पर गला तैयार हो गया। अब हम इसको पीस पर लगाएंगे। सबसे पहले हम ऐसे इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद जो हमारा सेंटर कटता है उसमें हम एक कट लगा देंगे ऐसे, और इस साइड भी हम निशान लगा देंगे ताकि गला अच्छे से लग जाए ऐसे। अब इसके बाद जो हमारा ये कुर्ती का पीस है इसमें भी हम ऐसे सेंटर पे निशान कट करेंगे ऐसे, फिर हम इसके बीच में ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे। अब इसके बाद इस निशान को ऐसे अच्छे से चमका देंगे ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे रखेंगे, कट से कट मिलाएंगे ऐसे, और इस निशान से ये निशान मिलाएंगे। देखो बराबर निशान मिल गया, इसका मतलब है कि हमारी जो हमने गला तैयार कराया है वो एकदम बिल्कुल सेंटर में रखा है। इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम ऐसे बुकरम के नीचे लगाएंगे इस तरह से। आप चाहो तो निशान लगा सकते हो इसमें इस तरह से चारों तरफ ऐसे। जैसे मैंने इस पर गले पर सिलाई लगा के तैयार कर लिया, ये ऐसे इस पर जॉइंट कर दिया। इसके बाद हम जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। कपड़ा हम आधा इंच छोड़ के इस तरह से निकालेंगे ऐसे। इस तरह से पूरे कपड़े को निकाल देंगे। और यहाँ पे भी जो हमारा ये बीच है जो नोक है इसको भी ऐसे कट कर देंगे। ज़्यादा दूर तक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी सिलाई कट जाएगी, पूरे गले की सेटिंग ही खराब हो जाएगी। ऐसे अब इसके बीच हमें ये ऐसे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको पलटे इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए और इसमें सलवटें भी ना आए इस तरह से। अब इसके बाद हम इसको पलट देंगे, इसको भी हम ऐसे पलट देंगे ऐसे। आप चाहो तो ऐसे इसकी नोक बना सकते हो इस ऐसे। अब इसके बाद इसको ऐसे पलट के पूरे गले को पट्टी को अंदर की साइड देखो, ये यहाँ से हम ऐसे जो थोड़ी सलवटी आ जाती है तो आप कट लगा लो, या ऐसे थोड़ा खींच के इसको ऐसे बराबर कर ऐसे। अब हमारा गले वाली पट्टी में कहीं भी ऐसे सलवटी भी नहीं है और अच्छे से सीधी हो गई। अब मैं इसमें सबसे पहले हम इसको ऐसे करके यहाँ पे बड़ा नंबर करके सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम किनारी वाली सिलाई लगाए तो अच्छे से ये सारी सलवटें खुल जाए ऐसे। अरे बड़े नंबर की सिलाई करके इसको हम बाद में हाथ से तुरपाई करने के बाद इसको हटा देंगे। बड़े नंबर से सिलाई करने के बाद मैंने बड़े छोटा नंबर करके किनारी पे सिलाई लगाकर तैयार कर दिया। ये हमारा गोल गला कट वाला तैयार हो गया। अगर आप चाहो तो आप इसमें बटन लगा सकते हो या फिर प्लेन ही रख सकते हो। वैसे मैच के बटन अगर आप लगाना चाहो तो इस पे इस तरह से लगा सकती हो ऐसे। जैसे इस पे वाइट प्लाजो है तो मैंने वाइट ही बटन मनवा लिए इसके ऐसे। इसमें तीन बटन लगा सकती हो। ये हमारा कट वाला गला बनकर तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मुझे यकीन है कि शायद आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद।